हेलो भैया बताएंगे? ओ हेलो भैया बताएंगे? क्या बात है, क्यों इतने उदास हैं? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बता भी दीजिए, कोई जवाब ही नहीं दे रहे आप तो। चलिए नहीं बताना तो नहीं, कैसी बात है? अरे दीदी अब आप कहाँ चल दिए इतने उदास? अरे सुनिए तो, मैं आपसे बोल रहा हूँ दीदी, कुछ बताते जाइए, क्या बात है, शायद मैं आपकी किसी परेशानी को हल कर दूँ। ये भी चले गए, कोई बताना ही नहीं चाहता। चलिए मैं ही बता देता हूँ आखिर वजह क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सामर्थ और आज हम बात करेंगे एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, जो है कॉन्फिडेंस और शराब के बीच में क्या कनेक्शन होता है। मैं आज इस टॉपिक पर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कई सारे लोगों का ये कहना रहता है जो शराब छोड़ने की कोशिश करते हैं या छोड़ देते हैं, कि शराब छोड़ने के बाद उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो गया है या फिर जो भी एक्टिविटीज़ वो करते हैं उसको वो पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर पाते। तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा, जिन लोगों का इस तरह का प्रिसेप्शन रहता है कि शराब पीने से उनका कॉन्फिडेंस या हिम्मत बढ़ती है या फिर वो एक्टिविटीज़ को ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर पाते हैं, वो पूरी तरह से गलत हैं। शराब सिर्फ आपको बेवकूफ बना रही होती है। हम सभी लोग अपनी लाइफ का 90% हिस्सा अपने कंफर्ट जोन में बिताते हैं क्योंकि इसमें हमें सेफ फील होता है और कहीं ना कहीं हमारा परिवार भी यही चाहता है कि हम उसी जोन में रहें। ये कंफर्ट जोन बोरिंग हो सकता है क्योंकि इसमें से हम वो सारे रिस्क निकाल देते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, साथ ही हम वो चीज़ें भी निकाल देते हैं जो हमें थ्रिल और एक्साइटमेंट की फीलिंग देती हैं। इस कंफर्ट जोन के चारों तरफ एक डर, शर्म और आकलन का बैरियर होता है जिसे हमारा अलर्ट दिमाग हमेशा याद रखता है और हमें सेफ जोन में रखता है, और यही बैरियर हमें रोज के फैसले लेने में भी मदद करता है। उदाहरण के तौर पर, हम गाड़ी उस स्पीड में चलाते हैं जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें तैरना नहीं आता तो हम गहरे पानी से दूर रहते हैं, पर जब हम शराब पीते हैं तो दिमाग की ये आकलन करने की शक्ति कम हो जाती है और हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं और कई बार ऐसे काम कर जाते हैं जो हम करना चाहते थे पर कर नहीं पाते थे। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वो शराब पीकर पार्टी में ज़्यादा इंजॉय करते हैं या डांस कर पाते हैं। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके शर्म का बैरियर टूट जाता है और उनको ये भी नहीं पता चलता कि लोग उनके साथ हंस रहे हैं या उन पर हंस रहे हैं। और इन्हीं कुछ बातों से लोग ये सोच बना लेते हैं कि वे शराब पीकर फलाना काम अच्छे से कर सकते हैं, पर ये एक वहम के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसमें आपके दिमाग का योगदान है, ना कि शराब का। अगर आप भी लो कॉन्फिडेंस की परेशानी से जूझ रहे हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको ये एक काम ज़रूर करना चाहिए कि जो भी काम आपको लगता था आप शराब पीने के बाद बेहतर ढंग से करते थे उसे किसी अन्य व्यक्ति से एनालाइज करने के लिए कहिए जो उसी फील्ड का हो। आप एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, पर कुछ कोशिशों के बाद जरूर सोबर रहते हुए भी उस लेवल तक पहुंच पाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई सलाह या सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियोज़ को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। नमस्ते।